ओ भाई आंटी के रिएक्शन देखो, देख रहे हो भाई ऑटो में से निकल के, ऑटो में से निकल के बोल रहे, ऑटो में से पीछे मुड़ के देख रही थी स्पेशल आंटी का। आंटियों के भी बहुत ज्यादा रिएक्शन आते हैं भाई कसम से। भाई लड़की ने एकदम से कैमरा देखा और पीछे मुंह कर लिया, मतलब आगे मुंह कर लिया, लड़की के पीछे चला रहा था यार, रिएक्शन आते थोड़े स्पाइसी मीट। हे बॉय भाई अंदर से मेरे को पता है यार हेलमेट में कितना पसीने में हो रखा हूँ मैं तो, इसी वह यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत पसीना आ रखा है अंदर हेलमेट में, बुरी हालत हो रखी है, और फिर भी आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। भाई साहब क्या आवाज आ रही है इधर, तो आपको वीडियो में वीडियो का मतलब 10% भी नहीं आ रही होगी इसकी आवाज, जो रियलिटी में मेरे को हेलमेट के अंदर इतनी बढ़िया आ रही है, सोचो बाहर लोगों को कैसी आ रही होगी। भाई मेरे अंदर पसीने चो रहे हैं बहुत ही बुरी तरह, पार्ट बनाने पड़ेंगे इसके, आज आपको सारे रिएक्शन छाट मारूंगा, मतलब जहाँ भी थोड़ी बहुत भीड़ रहती है। अभी मैं थोड़ा वो नहीं देख, मतलब अंदर नहीं जा रहा मार्केट के अंदर, नहीं तो मार्केट के भी बहुत तगड़े रिएक्शन आते हैं। यहाँ भी पुलिस होती है भाई, थोड़ा ध्यान से ले जाना पड़ेगा। भाई क्या गजब ब्रेकिंग है यार इसकी, पूरी रेस देके मैं एंड टाइम पे भी ब्रेक मारूँ ना बहुत ही बढ़िया लगती है। वो भाई खड्डों में कुदा दी, तो इस व्लॉग में साउंड एंजॉय करो, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ यार, आपको भी और मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि भाई ये पुल के साइडों में, पुल के नीचे और जो भीड़ी भीड़ी जगह होती है ना, साउंड बहुत ज़्यादा गूंजती है इसकी और मीठी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बेसी प्लस लाउड हो जाती है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है भाई, रिएक्शन ऐसी आवाज़ों पर ही आते हैं। मेरे तो भाई हाथ दुख गया यार, बिना ग्लव्स के चलाए ही नहीं जाती यार। ओ भाई आंटी के रिएक्शन देखो, देख रहे हो भाई ऑटो में से निकल के, ऑटो में से निकल के बोल रहे, ऑटो में से पीछे मुड़ के देख रही थी स्पेशल आंटी का। आंटियों के भी बहुत ज्यादा रिएक्शन आते हैं भाई कसम से। ये न्यूट्रल का पता नहीं क्या सीन है, अपने आप ही न्यूट्रल हो जाती है। मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ, मतलब सेकंड गियर पे शिफ्ट करता हूँ, बट इसका गियर फर्स्ट के न्यूट्रल हो जाती है, और आवाज़ देखो कैसी आ जाती है यार। भाई लड़की ने एकदम से कैमरा देखा और पीछे मुंह कर लिया, मतलब आगे मुंह कर लिया,
लड़की के पीछे चलान था यार, रिएक्शन आते थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी यार। अभी धुलवाई है, ये पानी में क्यों आ जाता है भाई, वैसे पानी नहीं मिलता। वैसे पानी नहीं मिलता भाई। भाई इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, मेरे हिसाब से तो पेपर है यहाँ पर। भाई मजा आ गया यार, काश कैमरा 360 लगा होता ना। पीछे इतने सारे बच्चे खड़े थे वो पेपर दे रहे वाले यहाँ पर स्कूल के पास, सब ने मुड़ के देखा भाई, एक एक बंदे ने। भाई गली में मेरे तो कंप्लेंट होने वाली है, मेरे को ऐसा लगता है कई बार, बहुत ही ज़्यादा कई बार हो जाता है भाई आवाज़ बहुत ही ज़्यादा। और एक तो मैं रेस खींच देता हूँ, आराम से जाना चाहिए मेरे को, कई लोग घर ना पहुँच जाए भाई, इतनी तेज़ आवाज़ से जाता हूँ। और एक दो बार सब्सक्राइबर मिले यहाँ पर इस गली में, और रेव कर दी उन्होंने बहुत तेज। अरे यार ये पानी, मैं तो पानी से दिमाग खराब हो गया यार, सारी गंदी हो जाएगी बाइक, अब भी धुलवाई। और भाई ये छींटे मार मार के ना पीछे से इतनी गंदी हो जाती है, बता नहीं सकता। बस ये देखो भाई कौन सी बारिश आई है भाई, पानी में से तो मेरे को डर लग रहा है, अभी साफ कराइए यार, ये परसों तक तो साफ होनी चाहिए, संडे तक भाई। अब मेरा घर तो आ गया था, बट मैं लंबा मतलब थोड़े रिएक्शंस और लोग भी सही बन गया, तो और ज़्यादा रिएक्शन लेने के लिए आसपास की कॉलोनी में जा रहा हूँ और रोड्स पे। भाई 30 की स्पीड पे थी, मैंने विली मारने की कोशिश करी, लगती नहीं, 10-15 की स्पीड ही पे बढ़िया विली लगती है। भाई ये है ब्रेकिंग का कमाल इसकी, तभी मैं तेज भगा पाता हूँ। ये देखो भाई, भाई यहाँ पर रिएक्शन देखना, आज भीड़ ही नहीं है भाई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया भाई, इतनी भीड़ होती है यार इस साइड, मैं स्पेशल आया भाई। भाई माइलेज नहीं दे रही है ढंग की, इतना पेट्रोल फूक क्या है भाई इस साइड पर, यार रिएक्शन नहीं आया, कोई नहीं। इस टाइम स्कूल की भी छुट्टी होती थी, बट स्कूल बंद है क्योंकि समर वेकेशन हो रखे हैं, स्कूल के ही रिएक्शन ले लेता, बट अब मेरे को वापस मुड़ना पड़ेगा बस स्टैंड वाली साइड, वहाँ पर अपने रिएक्शन लेंगे। तो भाई आपने पहला पार्ट देख लिया हो और दूसरा पार्ट देखने के लिए आए हो पहला पार्ट देख के, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी रिएक्शन वीडियोस तो बहुत आएंगी यार, बहुत ज़्यादा हिट लग रही है। और एक तो मेरी बाइक भी ब्लैक, ये देख रहे हो भाई, ओ भाई गजब। मैं रिएक्शन दिखाऊँ आपको, देखो भाई एक बस में कैमरा लग जाता रहा भाई, और मजा आ जाता, क्योंकि बस के रिएक्शन तो अल्टीमेट ही आते होंगे। और इस फ्लाईओवर से जब भी जाता हूं तो कोई ना कोई बस जा ही रही होती है, तो बहुत ही बढ़िया मजा आता है भाई, ये फ्लाईओवर मेरे को बेस्ट लगता है। आवाज भी ऐसे गूंजती है ना यहाँ कि पूछो मत भाई, रियलिटी में तो मेरे
हाथ दुखे यार ग्लव्स में। इस टाइम यहाँ पर तो भीड़ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा होती है भाई। दोपहर के टाइम आ जाओ, शाम के टाइम आ जाओ, देख सकते हो भाई। रेव कर दूँ गया, ओ भाई मेरे तो गर्मी में बुरी हालत हो चुकी है। भाई बहुत ज़्यादा लाउड है यार मेरी बाइक, बहुत ज़्यादा लाउड। कई बार तो डर लगता है भाई कोई बोल ना दे कुछ, बहुत ज़्यादा लाउड है भाई कसम से। पर मज़ा आता भाई चलाने में। मेरे को 8 महीने हो गए एग्जॉस्ट को लगवाए हुए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, सीरियसली कह रहा हूँ। 8 महीने हो गए मेरे को, तो मज़ा ही मज़ा आया भाई इस एग्जॉस्ट के साथ। कभी मेरा मन नहीं भरा इस एग्जॉस्ट से। लोग कहते हैं कि मेरा एग्जॉस्ट से मन भर जाता है और वो चेंज करवाते रहते हैं, मेरा तो एक ही एग्जॉस्ट है बेशक कितना लाउड हो। मेरे को तो भाई आवाज़ इसकी बहुत ही बढ़िया लगती है हर बार ही। लॉन्ग ट्रिप पे भी चला गया मैं, 80, 90, 200 किलोमीटर भी चला दी इसको लगातार, मन नहीं भरता भाई इस आवाज़ से। तो भाई लोग आपको आई होप सेकेंड पार्ट पसंद आया होगा, और आपका फर्स्ट पार्ट भी बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया, मेरा दिल खुश हो गया। तो ऐसी और मार्केट रिएक्शन और अच्छे व्लॉग्स आने वाले, तो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।